आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। गांव के बालक ने बनाया दृष्टिहीनों के लिए स्मार्ट चश्मा, बिना सहारे के चलने में मिलेगी मदद। पूर्व में भी रोबोट बनाकर दिखाई अपनी कुशलता। सनावत ग्रामीण क्षेत्र के एक बालक ने एक बार फिर अपनी समझ से ऐसा स्मार्ट चश्मा तैयार किया जो दृष्टिहीनों के लिए मददगार साबित हो सकता है। इसी बालक ने पूर्व में रोबोट बनाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। हम बात कर रहे हैं ग्राम बासवा में अपने माता पिता और बहन के साथ किराए के मकान में रहने वाले अमन कालरा की, जिसने पहले रोबोट बनाकर खरगोन के तात्कालिक कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा से पुरस्कार प्राप्त किया। अब उसने अपनी ही सूझबूझ से दिव्यांगों के लिए स्मार्ट चश्मा बनाया, जिससे दृष्टिहीन लोग लगाकर आसानी से चल फिर सकते हैं और अपना काम बगैर किसी मदद के कर सकते हैं। अमन ने बताया कि मेरा उद्देश्य है कि दृष्टिहीन व्यक्ति भी अपनी जिंदगी अपनी मदद से जी सके, वो किसी पर आत्मनिर्भर ना बनते हुए अपना काम स्वयं कर सके। उसके लिए मैंने इस स्मार्ट चश्मे का निर्माण किया। इस चश्मे की खास बात ये कि इसे लगाकर दृष्टिहीन व्यक्ति कहीं भी आ जा सकते हैं। इसमें सेंसर लगा हुआ है, जिसकी मदद से सामने किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आता है तो उसमें लगे सेंसर से आवाज निकलेगी, जिससे व्यक्ति अपना रास्ता बदल लेता है। साथ ही रास्ते में अगर कोई गड्ढा या कोई वाहन सामने आ जाता है तो सेंसर से ट्वीटर की आवाज आने लगेगी, जिससे दिव्यांग जन आसानी से सतर्क हो जाए। इस स्मार्ट चश्मे की 13 फीट तक की दूरी संचालित है। इससे आदमी को संभलने का मौका मिल सकता है। इसमें लगी बैटरी 10 से 15 घंटे तक चल सकती है। ऐसे बनाया स्मार्ट चश्मा। छोटे से ग्राम बासवा में रहने वाले अमन ने बताया कि कक्षा 8वीं तक पढ़ाई की और आर्थिक मजबूरी के कारण आगे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। उसके पिता करही में एक होटल पर कुक का कार्य करते हैं। देश के लिए कुछ करने की सोच लेकर गरीबी और उच्च शिक्षा नहीं होने की हताशा को कभी हावी नहीं होने दिया, और पूर्व में भी जिस तरह से उपयोगी सामान से रोबोट बनाया, वैसे ही दिमाग और सूझबूझ लगाकर स्मार्ट चश्मा इन चीजों से तैयार कर बनाया। इसमें आर्डुइनो अल्ट्रासोनिक सेंसर, बर्जर, बैटरी, इसकी सहायता से चश्मे को तैयार किया जो दृष्टिहीनों के लिए मददगार साबित हो सकेगा। ये एक प्रमुख लक्ष्य है। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।